हेलो फ्रेंड्स, आज पेश है पनीर बनाने की रेसिपी। जी हाँ, पनीर बनाने की रेसिपी आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। और ये बिना कपड़े के हम पनीर बनाएंगे और बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी और झटपट ये बन जाता है और बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट भी बनता है। आप इसको देख सकती हैं। इसकी लेयर ये इतनी मोटी आई है, 1 इंच के तकरीबन 1.5 किलो में। और अगर आप इससे ज़्यादा बनाएंगी तो इसकी लेयर और भी ज्यादा मोटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर को बनाना, कि हम पनीर किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने ये प्योर मिल्क लिया है 1.5 किलो, और इसको अब सबसे पहले बॉईल करने रखते हैं। और वेट करते हैं इसमें बॉईल। अब देखिए, दूध में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हम इसमें लेमन डालेंगे। इस 1.5 किलो दूध में हमें 1 लेमन का जूस डालना है कम से कम इसे फाड़ने के लिए। आप विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेमन हमें या विनेगर उतना या उस क्वांटिटी तक यूज़ करना है कि पनीर हमारा बिल्कुल भी टाइट ना हो और साथ ही सॉफ्ट भी रहे। तो यहाँ पर हम 1.5 किलो में 1 लेमन यूज़ करेंगे और अब इसको चलाना स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कैसे दूध फटना स्टार्ट हो गया है। इसमें से इसका पानी अलग हो रहा है और पनीर जो है वो अलग हो रहा है। बनाने के लिए जितना अच्छा दूध होगा उतना ही अच्छा पनीर भी बनेगा और ज़्यादा पनीर बनेगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपको मिल्क हमेशा प्योर ही लेना चाहिए उसको फाड़ने के लिए, पनीर बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब हम गैस ऑफ कर देंगे क्योंकि पानी एकदम कलर छोड़ चुका है। आप देख रहे होंगे पानी का कलर आपको हल्का सा फर्क दिख रहा होगा, एकदम वाइट नहीं है यहाँ पर पानी का रंग। तो अब हम यहाँ पर गैस को ऑफ कर देंगे। अब फ्रेंड्स, पनीर बनाने के लिए हमें जिस बर्तन का यूज़ करना है ये पनीर मेकर कहलाता है। ये इस तरह का होता है, 3 पार्ट में ये इसका ढक्कन होता है ऊपर से, ये चारों तरफ ही इसमें जाली होती है, ये जालीदार होता है इस तरह से। और इसको पहले इसके अंदर फिट कर देते हैं यूं करके, और फिर ये ऊपर से इसका ढक्कन जाता है जो अंदर की साइड चला है। के लिए है जिन लोगों का पनीर अच्छे से नहीं बनता है या वो कपड़े में उसको अच्छे से नहीं बना पाते हैं और सॉफ्ट नहीं बनता है, या जिन लोगों के घर छोटे हैं और रखने की जगह नहीं है कि कहाँ पर वो लटकाएं और कहाँ पर उसको दबा के रखें किसी चीज़ के नीचे, तो इसमें वो लोग बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाता है। और ये सभी यूज़ कर सकते हैं जिसको भी यूज़ करना है। तो इसमें सबसे पहले हम इस तरह एक बाउल ले लेंगे, इसका पानी डाल पलट देंगे। अब इस तरह से इस बर्तन को इसमें से निकाल लेंगे। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, किसी भी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, आटा गूंदने में या कोई सूप बनाने में या सब्जी बनाने में भी इसका यूज़ हो सकता है। तो इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। और इस तरह से उसके बाद में ये ढक्कन जो है इसका, इसके ऊपर हम इस तरह से फिट कर देंगे और इसको प्रेशर देंगे जिससे इसमें जितना भी पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए अच्छे से। इस तरह से इसको दबा लेंगे। अभी थोड़ा ये गर्म है तो दबाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए किसी कपड़े की हेल्प से इसको दबाते हैं लेते हैं जिससे आसानी से इस पर प्रेशर लग जाए। और नीचे से ये बाउल हटा देते हैं पहले, और इसके बाद में अभी वापस भगोना ले लेंगे। कोई प्लेट भी ले सकते हैं आप, कोई भी चीज़ ले लें जिससे ये इसमें रख लें आराम से, और उसके बाद में इसमें प्रेशर लगा कर इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें निकालना है। इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल चुका है, देख सकते हैं आप इसमें। अब हम इसको कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए रख देंगे। इसको सेट होने देते हैं। तो चलिए इसको रख देते हैं। चलिए इस तरह से इसको इसमें से निकाल लें। आप देख सकते अच्छा पनीर, और बहुत ही ये सॉफ्ट भी है और साथ में बहुत ही अच्छा। जिसको आप चाहें तो पानी में करके ऐसे ही रख दीजिए, और या फिर
इसको आप पीसेस में करके और डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं, और फौरन ही आप इसका जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो आप इस तरह से पनीर को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और कपड़े में रखने और उसको टांगने की झंझट से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पनीर बनाने की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वक्त है आज के टिप का, और टिप है, अगर फ्रेंड्स आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं, साड़ियाँ या शलवार सूट, जो भी जिसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है जरी की, या इस टाइप की जो काले पड़ने का डर होता है जिस एम्ब्रॉयडरी का, वो अगर एम्ब्रॉयडरी की हुई है और आपको लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी काली पड़ चुकी है, उसको साफ़ करने का तरीका है, आप उन कपड़ों पर जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है वहाँ पर केयरफुली पाउडर छिड़क लें, टेलकम पाउडर। और टेलकम पाउडर छिड़कने के बाद में उसको फिर उंगली की हेल्प से अच्छे से उस पर फैला दें और कुछ देर के लिए उसको धूप में रख दें। 15-20 मिनट तक रखने के बाद में आप कपड़े को उठा लाएं और किसी मुलायम ब्रश की हेल्प से उस पर से पाउडर को झाड़ दें, हटा दें, साफ़ कर दें कपड़े को। आप देखेंगी आपकी एम्ब्रॉयडरी वापस फिर से चमकने लगी है। तो इस तरह से आप अपने एम्ब्रॉयडरी के किसी भी कपड़े को साफ़ कर सकती हैं, किसी भी कॉस्ट्यूम को साफ़ कर सकती हैं। तो ये था आज का टिप। नेक्स्ट वीडियो में नए टिप के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।